बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे भी लोग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ स्टूडेंट्स। आज आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ, ख़ास तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। पहले के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल था अगर स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी माइग्रेट करना चाहता था, यानी कि लाहौर यूनिवर्सिटी से सरगोधा यूनिवर्सिटी या साहिवाल यूनिवर्सिटी से सरगोधा यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में मूव करना चाहता था, तो ये प्रोसीजर उसके लिए काफ़ी टफ था। उसको मुख्तलिफ चीज़ों चाहिए होती थी, जिनमें से एक चीज़ जो थी NOC, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसको चाहिए होता था, फिर वो दूसरी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन ले सकता था। इसको लेने के लिए आपको काफ़ी धक्के खाने पड़ते थे और आपका वक्त के साथ साथ आपके पैसे भी काफ़ी ज़ाया होते थे। इसकी फ़ीस आपको जमा करानी पड़ती थी और फिर आपको ये सर्टिफिकेट बड़ी मुश्किल से हासिल होता था और फिर आप अपनी जो है वो स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते थे। तो अब इसमें बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है जो कि मूव करते हैं या कोई मजबूरी होती है तो यूनिवर्सिटी जो है वो चेंज करनी पड़ती है। HEC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब आपको NOC की या माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी मूव कर रहे हैं, जैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी से सरगोधा यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं या मुल्तान यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अब रिक्वायर्ड नहीं होगा ना तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी और ना NOC की। तो मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि NOC बनवाने में स्टूडेंट्स का काफ़ी टाइम दरकार होता था और उसके साथ साथ आपको इसके लिए फ़ीस भी पे करनी पड़ती थी। तो अब आपका जो है ये मसला हल हो गया, आप बहुत आसानी से जो है अपनी यूनिवर्सिटी को चेंज कर सकते हैं बग़ैर किसी मसले के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये थी खुशखबरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।